नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अपनी मूंगफली की फसल 90 दिन के आसपास की हो गई है तो आपको कई इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि अपन अच्छी पैदावार अपनी फसल से ले सके और अपनी मूंगफली के दानों का भराव अच्छे से हो सके। दोस्तों इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे कि किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां अपने को नहीं करनी है। पहली बात तो दोस्तों, इस टाइम पर अगर बरसात नहीं हो रही है तो आपको फुहारों के माध्यम से नमी बनाए रखना है। इस टाइम नमी की सख्त आवश्यकता मूंगफली के पौधे को रहती है। दाना भराव की स्टेज में नमी जरूरी है तो अगर बरसात नहीं हो रही है तो फुहारों के माध्यम से किसान भाइयों पानी देते रहे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न करें, अपनी पैदावार ऑटोमेटिक अच्छी होगी। दूसरी बात किसान भाइयों, इस टाइम पर फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है तो यूरिया खाद आप नहीं दें, क्योंकि यूरिया खाद से केवल पौधे की हाइट लंबाई बढ़ती है और दूसरा फायदा यूरिया खाद का नहीं है तो आपको यूरिया खाद नहीं देना है। अगर पौधे की इस टाइम पर लंबाई बढ़ गई, हाइट बढ़ गई तो प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नीचे वाले भागों तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे नीचे वाले पत्ते सड़ना गलना और स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका अभी कोई फायदा नहीं है, आपको यह गलती नहीं करनी है। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो अपने टेक्निकल खेती चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको यहां मिलते हैं, साथ ही दिल्ली के ताजा भाव आपको यहां बताए जाते हैं। इन भावों का फायदा आपको जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी आप निकाल लोगे तब मिलेगा। जिस सप्ताह भाव अच्छे चल रहे हो आप देख के उस सप्ताह अपनी फसल को मंडी में लेकर जा सकते हो और फायदा उठा सकते हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी बात किसान भाइयों, अगर मूंगफलियों में पत्ती को खाने वाली लट या सुंडी लगी हुई है तो आपको कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करवाना है, क्योंकि अब आगे मूंगफली का पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है और जो भी भोजन बनता है वो पुरानी पत्तियों से बनता है, तो अपने को पुरानी वाली पत्तियों को बचाकर रखना जरूरी है ताकि अपनी मूंगफली के दानों का भराव अच्छे से हो सके। तो किसान भाइयों, अगर इल्ली या सुंडी या नट लगी हुई है तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जरूर करवाना है। चौथी बात किसान भाइयों, जब अपनी मूंगफली खुदाई में एक महीना लगभग शेष रहे तब फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करें। फंगीसाइड से लास्ट महीने में अपनी मूंगफली की फसल के पत्ते जड़ जाते हैं या नीचे से सड़ना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम फंगीसाइड से नहीं होगी तो आप फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करवाएं। इस प्रकार की फंगीसाइड दवाई मार्केट में अवेलेबल है, जो आपके इलाके में अच्छी फंगीसाइड उपलब्ध हो उसको आप यूज में ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में किसान भाइयों अपन डिटेल से बात करेंगे कि फंगीसाइड दवाई या पत्तों को जड़ने गलने से रोकने वाली दवाई का स्प्रे करवाना चाहिए या नहीं, और इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन सी दवाई मार्केट में मिलती है और कितने दिन की मूंगफली हो जाए तब इसका स्प्रे अपन करवाएं। तो दोस्तों अपने टेक्निकल खेती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि दिल्ली के ताजा भाव और इम्पोर्टेंट जानकारियां, मौसम की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।